साथ में सारी डिटेल भी दे चुका हूँ। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, वो मेरी बेटी है। बेटी दोपहर से गायब है, अब तक कुछ पता नहीं चला। शहर में नाकाबंदी कर दीजिए, भले स्टेट की सारी पुलिस लग जाए, लगा दीजिए पुलिस को, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या? हाँ हाँ, कमिश्नर से तो क्या, मैं मिनिस्टर से भी बात कर लूंगा। हाँ, क्या कहा उन्होंने? शांति रखो, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अगर मेरी बेटी को, अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगी वो। मर चुकी है वो, मार दिया उसे। क्या? पुलिस वाला बिना सबूत के कुछ मानता नहीं। ये लो। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा? पंचनामा करना है, केस बनाना है। क्यों इंस्पेक्टर? न जाने कितने ही बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना, और जिनका केस बना उन फाइलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटने पर आ गए। तुम्हारे ही सताए हुए किसी एक ने मार डाला है उसे। लेकिन इसको क्यों मारा? पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों क्यों? अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सचदेव सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया। क्यों? उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला। क्यों? एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? बेचो परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। क्यों क्यों? न जाने कितने ही ऐसे क्यों गरीबों के यहां से उठते हैं यहां से। क्यों क्यों क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं, और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। पिंकी, अपने डैडी को संभालो। पापा। पिंकी, पिंकी मेरी बच्ची। देखो, अरे देखो, पिंकी मेरी बच्ची आ गई। हेलो काशी, तुमने ठीक किया। मुझ जैसे आदमी को समझाने का यही तरीका था। मैं अब तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा। ये नौकरी रहे ना रहे, बात जान पे क्यों ना आ जाए, मैं वादा करता हूं कातिया अब तुम लोगों को उस जगह से हटा नहीं सकता।